नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शिवसेना ने भाजपा सरकार को राम मंदिर निर्माण को लेकर आड़े हाथों लिया है। शिवसेना का कहना है कि भगवान राम ने बीजेपी के अच्छे दिन ले आए, मगर बीजेपी अभी तक भगवान राम के मंदिर बनाने में नाकाम साबित हो रही है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में संपादकीय में लिखा है कि भाजपा केंद्र और कई राज्य में सत्ता में है, चाहे तो राम मंदिर बना सकती है, अगर ये नहीं बनाएंगे तो झूठी सरकार कहलाएंगे, जिसे सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। शिवसेना ने उल्लेख किया है कि मंदिर के पुजारी भी कहते हैं प्रधानमंत्री सिर्फ जय श्री राम का नारा देते हैं, मगर मंदिर निर्माण पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता था कि अगर भाजपा चुनाव जीतेगी तो मंदिर निर्माण हो जाएगा, मगर सत्तारूढ़ पार्टी ने इसके लिए आवाज उठाने वाले को ही दबा दिया। मंदिर निर्माण की मांग को लेकर महंत परमहंस दास ने अनशन किया था, मगर पुलिस ने उन्हें भी उठा लिया और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया। भगवान राम ने भाजपा के अच्छे दिन तो ले आए, मगर अब भगवान राम को भाजपा अयोध्या कब लाती है? तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।